पहाड़ के बीच में बर्फ होने का संभावना था। बिल्कुल इसी तरह आज रात को मैदान इलाकों में हल्की बर्फ और पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ होने का संभावना है। ये आज रात से लेकर 13 के फोरनून तक ये चलेगा। बीच बीच में रुक भी जाएंगे, ऐसे बात नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूस स्नोफॉल नहीं होंगे, लेकिन ये जितना पहले बार हुआ था आज से कोई हफ्ता पहले जो बर्फबारी हुआ था उससे इसका इंटेंसिटी कम है, कम होगा, लेकिन फिर भी मैदानी इलाकों में दरमियान दर्जे की बर्फ और पहाड़ों के कुछ जगहों पे हेवी स्नोफॉल भी होने का संभावना है। और इसका जो मेन एक्टिविटी है जो 11 और 12 के बीच में ज्यादा बर्फ होने का संभावना है। तो जहां तक इसकी वजह से जो है ठंड, जहां तक कई दर्जे हरारत है, दिन के दर्जे हरारत में गिरावट आ जाएंगे, काफी 5-6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएंगे और नाइट कम से कम दर्जे हरारत में 1-2 डिग्री सेल्सियस इजाफा होंगे। जहां तक अगर चेतावनी की बात है तो अभी ये ठंड की वजह से लोग अपने अपने घरों में चूल्हा जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, गैसें जलाते हैं। मैं हमारा ये ये चेतावनी ये रहेगा कि जब भी आप कोई ये जलाते हैं तो बीच बीच में अपना दरवाजा जो है वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, बीच बीच में दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि आप 24 घंटे घर में ना बैठे, थोड़ा दरवाजा खोले, थोड़ा वेंटिलेशन हवाएं ताजी हवाएं बीच बीच में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये, क्योंकि जो चूल्हे से या कोयले से गैस निकालते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीले गैस होते हैं जिसका कोई देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप छू भी नहीं सकते, तो पता भी नहीं चलते, इसीलिए बहुत कैजुअल्टी होने का भी बहुत खतरा रहता है। जैसे बहुत सारे सैड न्यूज, यानी बहुत अच्छी खबर नहीं आती बीच बीच में, तो इसीलिए इन चीजों से बचाने के लिए आपको जो मैंने पहले बता दिया ऐसे करना चाहिए। बाकी गर्म कपड़े पहन के पानी जब आप पिए तो गर्म नरम पानी जरूरी है। तो कहां कहां पे जो है हेवी स्नोफॉल हो सकता है? जी, पहाड़ी इलाकों में चंद जगहों पे कश्मीर के या पीर पंजर माउंटेन रेंज के कुछ जगहों पे हेवी स्नोफॉल भी होने का संभावना है, खास करके कल और परसों के बीच में, यानी 11-12 के बीच में मैदानी इलाकों में दरमियान दर्जे की बर्फ होने का संभावना है। तो